हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लियो लोकेश कनगराजु द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और
कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में
कोडाइकन नाइल में आयोजित की गई थी। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह 7 स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय
सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह 7 स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है,
जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के
और नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजाम, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशाम, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल
हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की बिक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे।
जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी
2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह 7 स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजाम, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज
मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा का सहलेखन किया था। यह 7 स्क्रीन
स्टूडियो के तहत एसएस ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशाम, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने
के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्मों के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है।
फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की बिक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजाम, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशाम, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने
के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने
के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह 7 स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे।
वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा
अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है।
तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की बिक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिश्याम, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था।
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई।
इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजाम, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी
पीडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसू 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह 7 स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद,
मैं स्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिश्याम, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़
60 करोड़ मीन फर्स्ट फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमशः नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक
अलग और ताज़ा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की बिक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजाम, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशाम, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004
तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्री के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 246 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई।
फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह 7 स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर
लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सहलेखन किया था। यह 7 स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश
पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाइकन नाइल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्री के साथ 413 करोड़
की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशाम, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिर नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 66वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ KGF चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के
लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 7 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होममेड है, मतलब जहां पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। लियो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रत्ना कुमार और डीराज वेद के साथ पटकथा सह लेखन किया था। यह सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत SS ललित कुमार द्वारा निर्मित और जगदीश पलानी सामी द्वारा सह निर्मित है। फिल्म में विजय के साथ कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें त्रिशा, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, प्रिया आनंद, मेस्क्रीन, गौतम वासुदेव मेनन और मंसूर अली खान शामिल है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय, त्रिशा, अर्जुन, संजय दत्त, प्रिया आनंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो लियो मास्टर 2021 के बाद लोकेश कनगराज के साथ विजय का दूसरा सहयोग है। 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि लोकेश कनगराज मास्टर 2021 के बाद दूसरी फिल्म के लिए विजय के साथ फिर से जुड़ेंगे। विक्रम 2022 पर लोकेश की प्रतिबद्धताओं के बाद, जबकि विजय सिल नेल्सन फॉर बीस्ट 2022 के साथ सहयोग करेंगे और बाद में वामशी पेडीपल्ली की परियोजना पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे बाद में वारिसु 2023 नाम दिया जाएगा। मार्च 2022 में लोकेश ने पुष्टि की कि उनके लिए विजय की 67वीं फिल्म को निर्देशित करने के लिए चर्चा चल रही थी। उस मई में उन्होंने परियोजना की पुष्टि की अस्थायी रूप से थलापति 67 शीर्षक के साथ। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाईकनाल में आयोजित किए गए थे। दूसरी अनुसूची 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुई। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया था और वायरल हो गया, जिससे फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भागीदार ने लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी या उन्हें हटा दिया जाएगा। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो
विजय अपने चरित्र के लिए एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल खेलेंगे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया था। गिल्ली 2004, तिरुपाची 2005, आती 2006 और कुरुवी 2008 के बाद पांचवी बार विजय के साथ जोड़ी बनाते हुए त्रिशा को महिला प्रधान के रूप में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि हुई है। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होने के बाद संजय दत्त परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। प्रिया आनंद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में फिल्म में शामिल हुई, जबकि अर्जुन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। उन्होंने इसे एक अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को सही ठहराएगा। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो लियो 19 अक्टूबर 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो भारतीय व्यापार सूत्रों के अनुसार लियो पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार है, जिसने उपग्रह डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकारों की विक्रय के साथ 413 करोड़ की प्री रिलीज रिकवरी हासिल की है, जो फिल्म के आर नाटकीय अधिकारों से 240 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विदेशी नाट्य अधिकार 60 करोड़ में फार्स फिल्म को बेचे गए हैं। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमश नेटफ्लिक्स और सन टीवी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।